जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए 28 नवंबर 2020 का बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के किस पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इस प्रकार आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चार विकल्प है। टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया टेलीग्राम ग्रुप की। तो आज का यह फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर एक। यहाँ पर राइट आंसर होगा क्या है, फकीर चंद्र कोहली, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर एक राइट आंसर है। भारत की जो सॉफ्टवेयर है, जो इंडस्ट्री के पितामह कहे जाने वाले फकीर चंद कोहली अब हमारे बीच नहीं रहे और 96 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। कोहली लीडर्स को तराशने में यकीन रखते थे और भारत की आईटी इंडस्ट्री के लिए एक पूरी सीढ़ी तैयार करने में लगे थे। साल 1969 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा ने कोहली से TCS को शुरू करने के लिए उनसे मदद मांगी थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दो है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखें, आखिरी में आपके लिए एक चैलेंज प्रश्न दिया जाता है जिसका आंसर आपके लिए कमेंट में देना होता है। और आज का दूसरा क्वेश्चन है, DGCA ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को अब तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि कब तक के लिए बढ़ा दिया है यह आपके लिए बताना है। 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 25 दिसंबर, 12 जनवरी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, यानी कि 31 दिसंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। 31 दिसंबर नागरीय उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना संक्रमण के चलते भारत में कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही पर रोक 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है। देश में 31 दिसंबर तक ना कोई कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भारत से बाहर जाएगी और ना ही दूसरे देश से यहाँ पर आ सकती है। हालांकि इस दौरान वंदे भारत मिशन के तहत जाने वाली खास उड़ान जारी रहेंगी। इससे पहले DGCA ने अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट पर रोक 30 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीन है, यहाँ पर क्या है, देखिए, खेल मंत्रालय ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर बताना है, चार विकल्प भी दिए गए हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर। खेल मंत्रालय ने हाल ही में किस राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है। तो यहाँ पर चार विकल्प हैं आपके सामने और क्या होगा इसका राइट आंसर यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर यहाँ पर एक यहाँ पर राइट आंसर है, यानी कि भारतीय तीरंदाजी आपका यहाँ पर सही आंसर, भारतीय तीरंदाजी संघ यह राइट आंसर है विकल्प नंबर एक। भारतीय तीरंदाजी संघ को 25 नवंबर 2020 को 8 साल बाद सरकार ने फिर से मान्यता जो है मिल गई सरकार से इस खेल को और इस संघ को राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के अनुरूप चुनाव नहीं कराने के कारण उनकी मान्यता रद्द की गई थी। AAAI के चुनाव इस साल जनवरी में हुए जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी की पैनल ने बहुमत हासिल किया है। स्पष्ट है कि सरकारी दिशा निर्देश के पालन को लेकर मंत्रालय की चिंताओं का AAI ने निवारण कर दिया। इसके साथ ही AAI की मान्यता बहाल करने का फैसला लिया गया जो 1 साल तक वैध रहेगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चार है, निम्न में से किस देश के दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना का 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चार है अपना यहाँ पर, क्या होगा इसका राइट आंसर, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना या रूस। तो यह किस देश के हैं, 60 वर्ष के हैं थे और इनका निधन हो गया है। आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर है अर्जेंटीना, आपका राइट आंसर है। फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में शुमार अर्जेंटीना के जो सबसे मशहूर फुटबॉलर रहे डिएगो माराडोना का 60 वर्ष की उम्र में यहाँ पर
कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया है। और मारोडोना 1982 के विश्व कप फुटबॉल सबसे पहले चर्चा में आए। यह विश्व कप स्पेन में खेला गया था, लेकिन उस समय मात्र 21 वर्षीय मारोडोना अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ियों के रूप में उभर आए। और यहाँ पर देखिए, मारोडोना ने साल 1997 अपने 37वें जन्मदिन पर प्रोफेशनल जो है फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया था। अगला क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है? निम्न में से किस राज्य सरकार ने अगले 6 मई के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है, एस्मा लागू कर दिया है, यह बताना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार, पंजाब या दिल्ली या उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 5 के यहाँ पर जो राइट आंसर है वह आपका विकल्प नंबर उत्तर प्रदेश, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। कोरोना संकट काल के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अगले 6 महीने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून लागू किया गया है, एस्मा एक्ट बोलते हैं जिसको। और यानी अगले 6 महीने तक प्रदेश में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, और प्रदेश सरकार की ओर से बुधवार को ये आदेश जारी किया गया। आपको बता दें, इस एक्ट के लागू होने के बाद आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी अगले 6 महीने तक किसी तरह की हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। अगर कोई भी कर्मचारी हड़ताल करता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर देखिए कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 10 जनवरी, 12 मार्च, 26 नवंबर, 15 अगस्त। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर है 26 नवंबर राइट आंसर है। देखिए, विश्व पर्यावरण जो संरक्षण दिवस है 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने एवं लोगों को जागरूक करने के संदर्भ में सकारात्मक कदम उठाने के लिए मनाते हैं, और यह दिवस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा आयोजित किया जाता है। पिछले करीब 3 दशकों से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या होगा इसका राइट आंसर? की भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कितने साल के लिए विस्तारित कर दिया है, 12 साल, 15 साल, 20 साल या 10 साल। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है और 4 विकल्प भी दिए गए हैं, और आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर आपके यहाँ पर डी जो है 10 साल, यह आपका सही आंसर है विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को 10 साल के लिए विस्तारित कर दिया है। इस समझौते ज्ञापन का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच सहयोग के 10वें वर्ष पर किया गया था। भारत और अमेरिका ने 9 नवंबर 2010 को नई दिल्ली में ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के साथ सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर कि किस राज्य ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है और 4 विकल्प भी दिए गए हैं, बिहार, झारखंड, कर्नाटक या केरल। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रकार, और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह बताना है। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि केरल। जी हाँ, विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर देख लें कि केरल सरकार जो है इसने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इससे संबंधित अध्यादेश पर 25 नवंबर 2020 को हस्ताक्षर किए। पुलिस कानून में इस संशोधन को लेकर विवाद हो गया था और इसे अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और मीडिया की आजादी पर हमला बताया गया था। राज्य सरकार का कहना है कि महिलाओं और बच्चों को साइबर अपराध से बचाने के लिए यह संशोधन किया गया है। आज का जो है पिछले वीडियो का चैलेंज प्रश्न है, यह गुलाबी नगर किसे कहते हैं। तो जो गुलाबी नगर कहते हैं, पिंक सिटी जिसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं किसको? जयपुर को। जयपुर आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। यहाँ पर आंसर लिखा है संजय कुमार जी ने लिखा है कि जयपुर, राजस्थान के जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी शहर कहा जाता है, क्योंकि 1876 ईस्वी में मेहमानों का स्वागत के लिए गुलाबी रंग का प्रयोग किया जाता था। वेल्थ के महाराजा और महारानी विक्टोरिया का भारत आगमन हुआ था, उसी उपरांत यहाँ के महाराजा रामसह ने पूरे जयपुर को गुलाबी रंगों में रंगवा दिया था, और पत्थर की कलाकृतियों
को भी रंग परिवर्तित किया गया जो कि आज भी उदाहरण के तौर पर प्रसिद्ध है। यह कमेंट लिखा है यहाँ पर संजय कुमार जी ने। और यह आज का आपका चैलेंज प्रश्न, आप भी इसी तरह कमेंट में आंसर लिखेंगे, आपका भी कमेंट अगली वीडियो में शामिल किया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो एक माह तक चलता है कहाँ आयोजित होता है? यहाँ पर देखिए सबसे जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है पशु मेला यहाँ पर बताना है। तो विश्व का पूछा गया है यहाँ पर, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो एक माह तक चलता है कहाँ आयोजित किया जाता है? चार विकल्प हैं, पुष्कर, नौचंदी, सोनपुर या बालेश्वर। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं, आंसर आपके लिए कमेंट में जरूर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहां तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम ग्रुप की, तो आप टेलीग्राम ग्रुप की वो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप को वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर आपके लिए पीडीएफ और बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो है सभी आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में ही उपलब्ध कराया जाता है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।